हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सभी दोस्त, मेरे मित्र। आप सभी लोगों को एक बार पुनः संजना साइमन का नमस्कार, प्रणाम, शालोम, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज आप देख सकते हैं मैंने एक राजस्थानी ड्रेस पहनी है। ये राजस्थानी ड्रेस है जिसमें कि जिसको मैंने बहुत दिल से पहना है, बहुत मोहब्बत से पहना है। और आप देखिए कैसी लग रही है आपको ये राजस्थानी ड्रेस। मैं आपको पूरी ड्रेस भी दिखाती हूँ। जिससे भी आप महात्मा गांधी जी के वर्ड्स को देखेंगे वो वर्ड ऑफ गॉड है, जिससे आज हम स्वतः हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो जब हम तुम देखते हो तो कहां यहां पे धोखा खाने का कारण है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आज ये एक वीडियो बना रही हूँ, स्पेशल ब्लॉग है। और आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है वो प्यार के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहा है, और मैं क्योंकि एक भारतीय नारी हूँ तो मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ प्यार के इस त्यौहार को। और लोग कहते हैं करवा चौथ, लेकिन मैं बोलती हूँ प्यार का त्यौहार, क्योंकि ये सच में प्यार का त्यौहार है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, हम उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं। और मैं आज यहाँ पे अपने दिल की बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग देखिए जिस किसी भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो इंसान आपका परमेश्वर नहीं है, वो इंसान आपका देवता नहीं है। तो पति को देवता मत बनाइए, प्रेमी को देवता मत बनाइए, क्योंकि वो देवता होता तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। वो देवता होता तो आपके साथ में कभी कलेश नहीं करता। वो देवता होता तो उसको बुखार नहीं आता, उसको पीड़ा नहीं होती, और ना ही वो मरने के लिए होता। वो देवता होता तो अमर होता, और हमें ये व्रत रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आपका पति जो है वो आपका देवता नहीं है, आपका प्रेमी आपका देवता नहीं है, आपका प्रेमी आपका पति भी इंसान है। और उसको दीर्घायु देने का जो भी जिम्मेदारी है वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ही किसी इंसान के आयु में वृद्धि कर सकता है, उसको दीर्घायु कर सकता है, उसको स्वस्थ बना सकता है, उसको निरोगी कर सकता है, और उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है। तो अपने प्रेमी के दीर्घायु होने के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु आपके अरदास को सुने और आपके प्रेमी को, आपके पति को वो ब्लेसिंग्स दे। लेकिन आपका पति, आपका प्रेमी आपका देवता नहीं है, क्योंकि देवताओं को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहली बात तो ये क्लियर करती हूँ। दूसरी बात ये क्लियर करती हूँ कि यदि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आपको उसके उसके लिए ना सिर्फ व्रत रखना है, बल्कि आपको परमेश्वर के लिए व्रत रखना है। आप प्रभु के लिए व्रत रखिए, प्रभु के लिए समर्पित रहिए। और हाँ, जैसे हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेके प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, कभी परिवार में कोई बीमार हो जाता है, कलीसिया में कोई बीमार हो जाता है, तो हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप उनको चंगा कर दीजिए, प्रभु उनके घर में बरकत दीजिए। तो इसी प्रकार से आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए भी लेके प्रभु के श्री चरणों में रख सकते हैं, और प्रभु के सामने अरदास कर सकते हैं कि प्रभु जी कृपा बनाए रखिएगा, और दीर्घायु बनाइए, सद्बुद्धि दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और हमारा जोड़ा सलामत रहे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु ने कहा है कि जिनको मैंने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। प्रभु को खुद को पसंद है कि इंसान जोड़े में रहे। प्रभु ने खुद आदम के लिए हवा बनाई, प्रभु ने खुद ये खूबसूरत एक रिश्ता बनाया है प्यार का, और प्रभु चाहता है कि लोग प्यार में हमेशा रहे, जुड़े रहे, जोड़ा सलामत रहे। प्रभु नहीं चाहता कि कोई किसी के पति के देहांत हो और वो इंसान अकेले तड़पे। प्रभु खुद जोड़े की बरकत देना चाहता है, लेकिन आपको प्रभु से मांगना है। आप जो चीज़ें प्रभु ने बनाई हैं उनसे ना मांग के आप प्रभु से मांगिए, ताकि प्रभु आपको बरकत दे, आपके जोड़े को सलामत रखे। इसलिए मीनिंगफुल तरीके से प्रार्थनाओं को कीजिए। मैं जब इस फेस्टिवल को मनाती हूँ तो मैं प्रभु से फास्टिंग प्रेयर करती हूँ, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ परमेश्वर के चरणों में अपना माथा रख के, प्रभु के चरणों में झुक के, घुटनों पे आके दुआएं करती हूँ, फास्टिंग प्रेयर करती हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा जोड़ा परमेश्वर ने बनाया है, वो जोड़ा सलामत रहे, वो इंसान खुश रहे, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करे,
और उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसकी एज प्रभु अच्छा करे, इंक्रीज करे नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा होने दे। और मैं परमेश्वर के नाम से ही व्रत रखती हूँ, परमेश्वर के नाम से ही परमेश्वर की उपासना करती हूँ और अपने प्रेम के लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन मैं अपने प्रेमी को देवता नहीं बोलती, क्योंकि मुझे लगता है मेरा प्रेमी हो चाहे आपका प्रेमी हो, वो सब इंसान है, क्योंकि वो गुस्सा भी करते हैं, वो गाली भी देते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते होंगे, कभी कभी आपको धोखा देने की भी सोचते होंगे, आपको हर्ट भी करते होंगे। तो मैं सोचती हूँ ये सारे गुण जो होते हैं वो देवताओं में नहीं होते हैं। तो बिल्कुल बेशक वो भी हैंड मास्क का इंसान है, जिसको बुखार आता है, जो एक आयु के बाद में बूढ़ा भी होता है हमारे समान। तो हम देवी हैं और वो देवता है। इस मिथ्य से बाहर निकल के मैं ये मानती हूँ कि हम भी हैंड मास्क के इंसान हैं, हमें भी परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें भी परमेश्वर की आशीष की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हमारे प्रेमी को भी परमेश्वर की आशीष की ज़रूरत है। मैं इस प्यार के त्यौहार को प्रार्थना के साथ में निभाती हूँ। मेरा दिन शुरू होता है प्रार्थना करने से। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर के श्री चरणों में नमन करती हूँ और परमेश्वर के सामने अरदास करती हूँ कि प्रभु मेरे प्रेम को, मेरे जोड़े को सलामत रखे। ये मेरा दिनचर्या होती है। और दिन भर जब भी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ती हूँ और उतनी बार परमेश्वर के सम्मुख जाती हूँ और प्रार्थना अर्चना करती हूँ परमेश्वर से। और रात में भी बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके मैं अपना भोजन ग्रहण करती हूँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर को उपवास और परहेज जो लोग करते हैं उनकी उनकी प्रार्थनाएं वो जल्दी सुनता है। उसको पसंद है कि उसके लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ में प्रार्थनाओं को करें। तो हमें समर्पण भाव दिखाते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है कुछ भी। कोई भी रिचुअल हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, वरन हमें ये देखना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसे परमेश्वर को कितनी महिमा मिल रही है। तो मैं इसलिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हूँ और पूरी तरीके से भारतीय हूँ, भारतीय परिधान पहनी हुई हूँ, भारतीय वेशभूषा में हूँ, ये राजपूती पोशाक पहनी हुई हूँ मैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनको बचपन से ही बहिष्कार दिया जाता है, उनको उनके माँ बाप नहीं समझते, उनके घर वाले नहीं समझते, उनके आप अपने सगे रिश्तेदार उनको नहीं समझते, उनको घर से निकाल देते हैं, उन्हें बहिष्कार कर देते हैं उनका। ऐसे में एक ट्रांस व्यक्ति का हाथ जो भी पकड़ लेता है वो उसके रंग में रंग जाती है। बेशक मैं भी मुस्लिम्स लोगों के बीच में रही हूँ, काफ़ी समय तक मुस्लिम्स के बीच में रही हूँ, मैंने उनके साथ में रोजे भी रखे हैं और मैंने अफ्तारी भी देखी है कैसे करते हैं। उनकी जो अच्छी बातें थी वो अपने अंदर आत्मसात करी हैं। और मैं अपने हिंदू बहनों के बीच में भी रही हूँ, बड़ी प्यारी बहनें हैं, बहुत प्यारी हैं वो, दिल की बहुत भली हैं, बहुत ममता है उनके अंदर। वो लोग भजन करती थी, कीर्तन करती थी, मुझे नहीं आता था तो मैं बस सुनती थी। लेकिन मैंने देखा है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ट्रांसजेंडर्स के लिए इंसानियत सबसे पहले है। वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं होता है, वो सब प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। और ये दुर्भाग्य होता है कि हम बहनों को घर से निकाल दिया जाता है, हमारी बहनों को उनके परिवार वाले नहीं समझते हैं, तो वो बहनों का हाथ जो लोग पकड़ लेते हैं वो उनके रंग में रंग जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत वाइड हो जाती है, बहुत विस्तृत हो जाती है। हम जिससे मिलते हैं उसके रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना परिवार हमारे सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा होता है। ऐसे में मैं संजना साइमन एक भारतीय महिला हूँ और भारतीय महिला होने के नाते मैं सारे त्योहारों को सम्मान करती हूँ और सारे त्योहारों को मैं सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन मेरे सेलिब्रेशन का तरीका अलग है। मेरे सेलिब्रेशन का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को इज्जत देती हूँ, आदर देती हूँ, सम्मान देती हूँ, उनको महिमा करती हूँ। और मैं दिन में जितनी बार मुझे मौका मिलता है मैं पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, बाइबल पढ़ती हूँ और साथ ही साथ में मैं प्रार्थना करती हूँ, फरियाद करती हूँ, परमेश्वर से गुजारिश करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ उनके सामने। तो मेरे त्योहारों को मनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है। तो आप किस तरीके से अपने त्योहारों को मनाते हैं ये आपकी अपनी सोच है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपने किस तरीके से त्यौहार को मनाया है। मैं अपना त्यौहार पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के और परमेश्वर यहोवा को, यीशु मसीह को आदर सम्मान महिमा देके मनाती हूँ। लेकिन मनाती सारे त्योहारों जो भी आते हैं त्यौहार उनको मनाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ। भारतीय हूँ तो भारतीयता के पूरे रंग में रंगी हुई हूँ। लेकिन मैं कुछ भी करूँ मुझे लगता है उसे मेरे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ और एक बार आपको पुनः आज के दिन प्यार के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा।
ये राजस्थानी पोशाक है। चलिए ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। शालोम, जय प्रभु यीशु मसीह की, जय हिंद, जय भारत।